वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अपना प्लान दिया है कि हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे पीएसयूज की, जो पीएसयूज हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम सेल करेंगे या डिसइन्वेस्ट करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 300 जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको कम करके 24 तक करना है, 24 या 25 तक करना है। तो हम वीडियो में देखेंगे गवर्नमेंट कैसे इसको जो है प्लान को इंप्लीमेंट करेगी, कौन इसके डिसीजन मेकिंग में आएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है, एजेंडा रहेगा, पहले हम देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम इसके गुड और बैड इफेक्ट्स देखेंगे कि इकोनॉमी पे क्या आते हैं और सोसाइटी पे क्या आते हैं इसके बैड और गुड इफेक्ट्स। उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो पहले हम देख लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम पैसे अपनी जेब से लगाते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपना बेनिफिट हमें दे, उसकी जो आउटपुट है वो फ्यूचर में अच्छी आए। तो ऐसे ही है, जो गवर्नमेंट भी है वो भी अपनी जेब से जो पैसे लगाती है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का उल्टा। इन्वेस्टमेंट का उल्टा क्या होगा? जो पैसे गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो अगर निकाल ले, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में पैसे गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किए थे अगर वो निकालने की कोशिश करे तो उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो लेमन लैंग्वेज में क्या है, जो पैसे गवर्नमेंट ने लगाए हैं अगर वो पैसे गवर्नमेंट निकाल लेगी अपने यूज के लिए या किसी और यूज के लिए, तो उसे कहेंगे हम डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसे गवर्नमेंट लगाती है या निकालती है, इन्वेस्ट करती है या डिसइन्वेस्ट करती है, तो उसे बजट में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसके बाद वो अप्रूवल होती है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। तो इसीलिए बजट में जो है वो दिया जाता है कि हम इतने पैसे जो है इस सेक्टर में लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर है, तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2,00,000 करोड़ रुपया जो है वो हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे। उसमें बहुत सारे पैसे जो है वो कोविड-19 वैक्सीन के लिए लगेंगे, बहुत सारे पैसे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेंगे। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वेलनेस सेंटर बनाएगी और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में लैब बनाई जाएंगी। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट जो है अपना सेटअप खड़ा कर रही है कि ये लैब्स बनेंगी और वेलनेस सेंटर बनेंगे। तो कल को अगर ये गवर्नमेंट जो है इन वेलनेस सेंटर को बेच देगी तो उसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट इनको बेचेगी तो कोई ना कोई पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे जो है कहीं और पे लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो बजट में दिया जाता है कि रेवेन्यू कहां से आता है और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहां किया जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बताती है अपने बजट में कि हमारे पास पैसा जो है वो कहां से आएगा और पैसा जो है एक्सपेंडिचर कहां पे किया जाएगा, इन्वेस्ट कहां पे किया जाएगा। तो ये मोटिव होता है एक बजट का कि लोगों का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, लोगों को भी पता चले कि कहां पे यूज होगा और कितना पैसा आएगा। तो इसी में एक चीज आती है डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट कब होता है? जब हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए जितनी आमदनी है, कि पैसा हमारे पास कम है फिर भी हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो जो गैप है वो कहां से फिल होता है? वो होता है फिल हमारी बोरिंग से। हम बाहर से लोन लेते हैं, IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं उसको कवर अप करने के लिए। तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब बहुत सारा लोन है जो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो उस पे जो है हमारा इंटरेस्ट बहुत जा रहा है, तो अब हम नया लोन नहीं ले सकते। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है और पैसा जो है बोरो नहीं कर सकती। तो दो तरीके हैं गवर्नमेंट जो है कैसे पैसा और कमा सकती है। तो पहला तरीका तो है गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। वो क्या है, GST को इंक्रीज कर देगी, वो इनकम टैक्स को इंक्रीज कर देगी, वो एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर देगी, वो सब्सिडीज को कम करेगी। और दूसरा तरीका ये है कि और पैसा कैसे कमाया जाए, जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, अपने एसेट्स को बेचना। तो अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो हम अपनी चीजें बेचेंगे ताकि हम अपना पैसा कमा सके और एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट जो है काफी पैसे कमा लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो पैसा जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो गवर्नमेंट यही कर रही है, अपना पैसा कमाने के लिए अपने जो एसेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको बेच रही है, बैंक्स को बेच रही है, ताकि और पैसा कमाया जा सके और जो गैप है हमारा एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का उसको कम किया जा सके। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ऐसी एक चाबी है जिससे ताला खुलता है और पैसे आ जाते हैं। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट। इसकी तीन टाइप्स होती है मेजरली। पहली होती है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपना 51% शेयर है अपना कायम रखती है, और 51 से कम का शेयर अगर बेचती है तो उसे कहते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट।
मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है अपना 51% का शेयर है वो नहीं रखती, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है, गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% से कम होता है तो उसे कहते हैं हम मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड टाइप है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। कंप्लीट में होता है कि 100% जब शेयर जो है गवर्नमेंट अपना बेच देती है तो उसे कहते हैं कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट, इसे ही कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट का जो है कोई भी यहाँ पे से नहीं है, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी यहाँ पे, तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने जो है इस बजट में क्लियर कर दिया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी वो इन द फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सेक्टर्स को बेच के प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसे कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने दो तरह के अपने जो सेक्टर्स है वो डिवाइड कर दिए हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक जिसमें गवर्नमेंट का रोल डिफाइंड है, सेकंड है नॉन स्ट्रेटेजिक। तो नॉन स्ट्रेटेजिक में क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, उसे फुली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक में कौन कौन से सेक्टर रखे गए हैं, स्ट्रेटेजिक में रखे गए हैं नेशनल सिक्योरिटी जिसमें डिफेंस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रोड है, ट्रांसपोर्ट है, थर्ड है एनर्जी एंड मिनरल, तो एनर्जी एंड मिनरल के सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रेटेजिक रखा है, फोर्थ है फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें आती है बैंकिंग और इंश्योरेंस, बाकी इनको छोड़ के सभी नॉन स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर्स हैं वो होंगे और उनमें फुली प्राइवेटाइजेशन होगी। और ये जो चार सेक्टर्स हैं इनमें भी मिनिमम से होगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अपनी बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। मिनिमम प्रेजेंस कैसे रखेगी, तो इन चारों सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम चार जो कंपनीज है वो रख सकती है। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या था, पहले 20 से 22 जो है वो नेशनलाइज बैंक थी, उनको मर्ज करके अभी 12 रह गई है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है मैक्सिमम 4 की, तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो बैंक्स हैं इनको नेशनलाइज्ड बैंक्स को कम करके 4 पे लाया जाएगा, बाकी सारी बैंक्स को बेच दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का अभी डिसीजन भी आ गया है कि 2 या 4 बैंक्स जो है उनको प्राइवेटाइज करना है। तो ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट का जो विंग है वो काम करता है, तो वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट को बताता है कि ये वाली कंपनीज को बेच के हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी एडवांटेजेस बता रही है कि ये वाला जो डिसीजन है गवर्नमेंट क्यों ले रही है, इनके क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि क्विक डिसीजन प्रोसेस है, कि जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट गवर्नेंस होती है जो, उनमें क्विक डिसीजन मेकिंग है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि फाइल्स आती हैं और बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्विक डिसीजन होता है, 2-4 बंदे ही हैं जिनके पास ये पावर्स होती है, और अगर एक बंदा भी कहे कि ये डिसीजन लेना है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, बहुत सारे जगह पे डिस्कशन होती है, उसके बाद अप्रूवल होती है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, एक बंदे के पास अगर ओनरशिप है वो कहेगा कि ये डिसीजन लेना है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगी। सेकंड है बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपोजर टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर 2-4 कंपनीज आके उस सेक्टर में अपनी कंपनीज खोलेंगी तो उनमें कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन की वजह से लोगों को जो है बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस भी कम होगा। थर्ड जो एडवांटेज है वो है लेस इकोनॉमिक बर्डन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक तो क्या है, गवर्नमेंट को अपना पैसा इन्फ्यूज नहीं करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है पैसा निकाल भी लेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा किन्हीं और सेक्टर्स पे खर्च करने के लिए। और इनमें क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो डिसीजन लेती है गवर्नमेंट वो नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट खुद ही मान रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन भी होते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो अच्छा नहीं है, प्राइवेट का ज्यादा अच्छा है। तो इसकी डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में है, तो जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम होता है वो कौन करेगा, प्राइवेट कंपनीज जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, वो अपना मोटिव रखेंगी कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। तो कौन है जो वेलफेयर का काम करेगा, ये बोझ जो है फिर से गवर्नमेंट पे रहेगा। तो गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल भी लेगी, फिर भी गवर्नमेंट को ही वेलफेयर का अगर काम करना पड़ेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को ही वेलफेयर का काम करना पड़ेगा, उसकी जो है ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट को ही अगर काम करना पड़ेगा पैसा तो फिर से गवर्नमेंट का ही लगेगा। जैसे हमने कोविड में भी देखा है कि इतनी इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो बंद थे या बंद नहीं थे और लोगों से 5-5, 6-6 लाख रुपया ले रहे थे पर नाइट का, 1-1 लाख रुपया भी ले रहे थे दिल्ली में। तो वेलफेयर का काम कौन करेगा, वो तो फिर से गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सेकंड है क्लास डिवाइड, इनइक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जिनके पास बहुत सारी कॉर्पोरेट्स कंपनीज होंगी और उनके पास बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी होगी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं होगी। तो ये क्लास डिवाइड है वो और बढ़ता जाएगा। जैसे थोड़े दिन पहले सर्वे भी आया था कि कोविड में 35% जो फायदा है वो बड़ी कंपनीज को हुआ है और जो नुकसान है वो सारे लोगों का हुआ है, छोटे लोगों का हुआ है। थर्ड नंबर पे है नो सोशल सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनीज बेचेंगी तो उनमें कोई इम्प्लॉयज भी काम कर रहे होंगे, अगर उनके इम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? या तो गवर्नमेंट उनको रिटायर करेगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट देगी, या उनको भी प्राइवेट कंपनी में मर्ज किया जाएगा। तो इसमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी लोगों की, लोगों में जो है सोसाइटी में जो है अनरेस्ट आएगा कि हमारी सोशल सिक्योरिटी जो है वो छीनी जा रही है। और प्राइवेट कंपनीज में भी जो काम करते हैं एम्प्लॉय, इनमें भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। हमने एडवांटेजेस में देखा है कि डिसीजन जो है वो क्विक होता है, तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज को निकालने वाला डिसीजन है वो भी यहाँ पे क्विक ही होगा। एम्प्लॉयज को क्या पता है कल को निकाल दिया जाए, तो उसकी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर सारा कुछ प्राइवेट हाथों में ही चला जाएगा तो क्या फायदा रहेगा गवर्नमेंट को रखने का, इतने एमएलएज एमपीज को वोट करने का, इतना खर्चा करके इलेक्शन कराने का क्या फायदा है, जो डिसीजन ही नहीं ले सकते आगे जाके अगर प्राइवेटाइज हो गया सब कुछ। तो इसमें बहुत सारे क्रिटिकल व्यूज भी आए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा डिसीजन नहीं ले रही। ये ऑब्वियस ही है कि ये अपोजिशन की तरफ से आएंगे। तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ बेच देना चाहती है, देश को बेच देना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स को छोड़ के गवर्नमेंट जो है लोगों के हाथों में पैसा देने की बजाय प्राइवेट कंपनीज को पैसा दे रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो वर्ड यूज किया यहाँ पे, तो ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का वर्ड है कैपिटलिज्म। दो तरह की हमने देखा है इकोनॉमीज होती है, एक होती है सोशलिस्ट, दूसरी होती है कैपिटलिस्ट। तो ये कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ना कि वो सारा कुछ कैपिटलिस्ट हाथों में देना है। तो ये भी जो है प्रीएम्बल के अगेंस्ट जाता है जो डिसीजन है डिसइन्वेस्टमेंट का, प्राइवेटाइजेशन का। मनप्रीत सिंह बादल है जो पंजाब में है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि बजट सीक्स टू सेल इंडियाज प्रीशियस एसेट। तो अगर एसेट बेच दिए जाएंगे तो कल को पैसा कहां से आएगा? ये वाली जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो अगर प्रॉफिट में जाते हैं तो प्रॉफिट जो है वो सरकार को ही मिलता है। तो अगर रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिलेगा सरकार को, आज अगर लॉस में है तो उनपे काम करना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट गेन कर पाए, ना कि उनको बेच ही दो। अगर बेच ही देंगे तो उनके जो रेगुलर इनकम आने वाली है तो वो नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को। तो एक बार जो पैसा आ जाएगा, बाद में पैसा कहां से आएगा? अगर एसेट्स ही नहीं रहेंगे गवर्नमेंट के तो कल को पैसा कहां से आएगा? जो सारा पैसे का बोझ है वो सिर्फ टैक्स पे रह जाएगा, फिर तो टैक्स बढ़ेंगे इसके बाद में। इसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं या बैंक्स में काम करते हैं, वो भी इन डिसीजंस को फेयर नहीं मान रहे, और उनकी तरफ से भी जो है स्ट्राइक डिक्लेयर की गई है, बैंक्स की तरफ से स्ट्राइक डिक्लेयर की गई है। अगर बैंक्स के एम्प्लॉयज जो है इतना पढ़ लिख के, इतने एग्जाम्स को क्रैक करके जो गवर्नमेंट सर्विस में गए हैं, इतने डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, आज भी अगर देख लो कोई एक एग्जाम निकलता है गवर्नमेंट का तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी लाइनें लगती हैं गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए। तो इतने लोग जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं उनकी आप सर्विस ही खत्म कर दोगे तो हमारा जो यूथ है जो प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जो एसएससी है आईबीपीएस में कम्पीट कर रहे हैं, तो उनमें जो है वो निराशा आएगी। तो ये था हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है। अगर वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।